हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब लोग शायद ठीक होंगे। और दोस्तों, इस लॉकडाउन में सबकी शायद स्थिति एक ही टाइप की होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस लॉकडाउन के मैंने सोचा कि अभी मैं गांव में हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ, तो कुछ हो नहीं रहा था कुछ नया। तो मैंने सोचा कि इस बार एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसमें अपनी सारी बहुत सारी चीज़ों को अपने जो मेरे अंदर जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूं, जो मुझे मुझे अच्छा लगता है, मैंने सोचा उसमें वीडियो बना के इसमें डालूं और एक नया यूट्यूब चैनल अपना बनाऊं। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका है आज से 2 हफ्ते पहले। तो आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ इसमें, तो आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं, बेल बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं लॉकडाउन में पहले घर में हूँ आजकल, तो मैं पहला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो मेरा, क्योंकि मेरा खाना बनाने में बहुत अच्छा, कुकिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरा छोटा भाई और नीचे नदी से, सामने नदी से मच्छियाँ लेके आया हुआ है, तो मैं आज मच्छी, पहला वीडियो मैं आज मच्छी का ही बनाऊंगा और किस किस तरह से मच्छी बनाई जाती है गांव में। और मैं ज़्यादा उसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, मच्छी को कैसे पहले उसको काटा जाता है, कैसे उसको साफ किया जाता है, वो मैं आपको, आप लोगों को दिखाऊंगा और किस तरह से उसे बनाया जाता है मैं वो देखूंगा। और आप देख रहे होंगे पीछे, ये मेरा घर है और ये मेरा पूरी पूरा घर का व्यू है, और ये आप देख सकते हैं। और इसके आसपास का व्यू बहुत सुंदर है मेरे घर गांव में। ये पीछे पेड़ पौधे हैं और ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, और पीछे आप देख सकते हैं कि इस वो दूर ये नीचे सड़क है, उससे नीचे नदी है, वहीं से आज मेरा भाई मच्छी लेके आया हुआ है। तो मैं आज मच्छी बनाऊंगा और मैं बिल्कुल साधारण, ज़्यादा उसमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं करूँगा, एक सादा तरीके, साधारण तरीके से लोग कैसे गांव में मच्छी बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि किस तरह से मच्छी को पहले काटा जाता है। आप लोग देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, और पूरे वीडियो देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के घंटी ज़रूर बताएं बनाएं बजाएं। जब आप घंटी बजाओगे तो हमारे दिल की घंटी बजेगी और उससे मेरे अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे और मेरा दिमाग चलेगा, उससे नई नई वीडियो जाएंगे, उससे आप लोगों का मनोरंजन होगा, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। दिखाऊंगा कि पहले किस तरह से मच्छी को काटना है। आप हल्का से ये चाकू लेंगे और चाकू को पहले मच्छी को इस तरह से साफ कर लेंगे, है ना। इसको पूरी तरह से, जो इसको इसलिए साफ़ करना होता है क्योंकि इसके जो बाहर का जो चिकनाहट होती है वो निकाल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मच्छी साफ हो जाती है और मच्छी में जो स्मेल आती है, थोड़ा स्मेल में थोड़ा गंदी स्मेल आती है, इससे मच्छी को इससे मच्छी साफ हो जाती है। तो हम लोगों ने मच्छी को साफ़ कर लिया है, तो मैं आपको ये पूरा नहीं दिखाऊँगा, आपको सिर्फ एक ही मच्छी दिखाऊँगा किस तरह से काटूँगा, क्योंकि अगर मैं सब दिखाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लेना है, इसमें से चक्कू लेना है और इस तरह से हल्का से पाँव में दबा देना है और इसको हल्का से, इसको इस तरह से पहले पहले इसको इसकी इसका इस ये वाला हिस्सा काटना है। आप देख सकते हैं किस तरह से काटना है, हल्का सा इसको काटना है, इसको अब हम लोगों ने इसे काट दिया है। आप देख सकते हैं, आपको हल्का सा, आपको थोड़ा संभल के काम करना होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरा हाथ इसमें कट गया था। तो आपको, और अब आप देखिए, एक हल्का सा बर्तन लेना है आपने, ये मच्छी के अंदर का आप लोगों ने ये थोड़ा ये गंदा चीज़, ये गंदी चीज़ें होती हैं जैसे अंडे होते हैं, इसको निकाल देना है और इसको फटाफट निकाल देना है। तो और ये बहुत सारा होता है इसके अंदर, ये बड़ी मच्छी है तो इसमें बहुत सारा होगा, तो ये बहुत सारा है, इसको निकाल देना है आप लोगों ने और ये इसको फेंक देना है। और जो ये मच्छी के ये मच्छी का अंडे हैं, इसका आप, इसको आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
इसको आप पकौड़ी बना सकते हैं, इनकी बहुत सुंदर पकौड़ी बनती है। मैं इसे अलग रख देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको, इसमें बहुत सारे अंडे हैं क्योंकि बड़ी मच्छी है, तो ये बच्चा शायद बच्चा देने अंडा देने वाली है, तो ये इसमें ज़्यादा है। इससे पहले इसमें जो ये वाली मच्छी है, छोटी मच्छी है, इसमें इस तरह का नहीं पाया जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। अब मैंने ये सब चीज़ें निकाल दी हैं और मैं इसको फटाफट काट देता हूँ। अब इसको मच्छी को हमेशा इसके पीसेस जब आप काटते हैं, इसे इसके पीस करते हैं, तो हमें थोड़ा जोर लगाना होता है। और इससे देख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा बड़ा पीस आपको नहीं करना है, इसमें इतना ही बड़ा पीस करना है, चाहे छोटा हो, छोटी मच्छी हो या बड़ी मच्छी हो। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये काला रंग का जो ये है, ये काले रंग की जो ये अंदर ये पेट के अंदर होता है, इसको हमें बिल्कुल साफ़ कर देना है। अगर इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें सारा ये पूरा मच्छी जब हम बनाएंगे तो ये पूरा स्मेल मारना शुरू कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से साफ़ कर रहा हूँ, और ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम गांव में धारे पर ही, गांव में धारा है, ये घर के पास ही में है मेरा, तो मेरे घर में तो मैं इसी से इनको सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ बगल में रास्ता भी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो चुका है। और इस ऐसे ही हमें पीसेस करने हैं इसके, और इसको इसको काट देना है। दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं मच्छी बनाना। और देखिए आप, पहला देखिए मैं प्याज काटा है, मैंने प्याज मैंने लगभग 1 केजी से कम लिया है थोड़ा सा, और वही मैंने टमाटर 1/2 केजी लिया हुआ है, और इसमें लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है, और इसमें ये नमक मैंने लिया हो नमक लिया है, और मैंने इसमें और इसमें मैं धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर है, ये घर की लाल मिर्च है, और ये हल्दी है, और ये हल्का गरम मसाला है, और मैंने हल्का चिल्ली पाउडर भी यूज कर रहा हूँ मैं इसमें, और ये खड़े मसाले हैं, और ये हल्का सा मैं बेसन यूज कर रहा हूँ। बेसन इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है, हमारी फैमिली में कम से कम 24 से 25 लोग हैं, तो इसलिए मैं ग्रेवी के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने दिखा दी आप लोगों को। अब देख सकते हैं आप, मैं तेल लिया है, तेल कम से कम मैंने 1 पाव लिया है, और अब मैंने सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना ही भूल गया हूँ कि मैंने कढ़ाई जो ली है वो लोहे की कढ़ाई ली है, और मच्छी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और इसमें काफ़ी वो क्या बोलते हैं, इसमें लोहे की कढ़ाई में बनाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बनाना। तो अभी मैं तेल कर दिया और तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और मैं इसमें सबसे पहले खड़े मसाले का यूज करूँगा। खड़े मसाले का प्रयोग आप ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कम लगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और इसमें कम से कम आप इसमें करेंगे। और मैंने अभी खड़े मसाले इसमें डाल दिए, और खड़े मसाले डाल के आप देख सकते हैं खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, और खड़े मसाले थोड़ी देर में उनको पकने दूंगा। ये मच्छी है, और इस मच्छी में मैं हल्का सा नींबू का वो करूँगा। नींबू इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पकाऊँगा मच्छी को तब मच्छी टूटे ना, मच्छी जिस तरह साबुत कढ़ाई में डालूँ उस साबुत ये बाहर आए और खाने में स्वादिष्ट हो। दोस्तों अब मैं प्याज ले रहा हूँ, आप इस तरह से ना डालें, इसका पहले बारीक डालें, क्योंकि मैंने इसे पेस्ट किया है क्या कहते हैं प्याज को भी, आप प्याज को हल्के से डालें, ध्यान रखें अपना किस तरह से डालना है। तो आप देख सकते हैं अभी खड़े मसाले पकने के बाद मैंने तुरंत उसका यूज किया है प्याज को। प्याज मैंने बारीक सुखाता नहीं, उसमें मिक्सी में मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक कर दिया। तो अब मैं थोड़ा सी पकने दूंगा, और इसे इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, तो कोई कम से
प्याज को 4 से 5 मिनट तक पकाएं, तो कलर इसका चेंज हो जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा। तो फिर आप उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, तो आप इसके बाद इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और अब हल्का देखिए, मैं इसमें और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है मैं इसमें आप ये डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा देर इसके साथ, जब तक ये हल्का इसमें खुशबू, इसकी लहसुन और अदरक की जो खुशबू नहीं आई, तब तक आप इसमें टमाटर नहीं डालोगे। अपने लेते हैं इसके साथ, और इसके बाद मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगा। हो सकती है कि थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी हो, थोड़ा आवाज़ कम आ रही हो, तो अब कोशिश करता हूँ आवाज़ बढ़े। इसको मैं थोड़ा पकने देता हूँ, अब इसके बाद टमाटर ऐड करें। दोस्तों अभी ये पूरी तरह से पक गया है, बन रहा था। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ। टमाटर भी मैंने को बिल्कुल ग्रेवी और इसका पेस्ट बनाया था, इसको मैंने इसको पकड़ा कर रखा था, क्योंकि इसको पकाने में थोड़ा आसानी होगी और उसकी ग्रेवी है वो काफ़ी जानदार होगी। दोस्तों अब मैंने इसमें टमाटर पूरी तरह से ऐड कर दिया है और इसको मैंने मिला दिया है। दोस्तों आप नमक डाल सकते हैं, नमक आप स्वाद अनुसार इसमें डालें। मैं इसमें तो नमक का प्रयोग ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। जो मेरी मच्छी है वो 2 kg के आसपास है, तो मैं इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डालूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं टमाटर के बाद तुरंत नमक ऐड कर लूँ और थोड़े से पकने दें, उसके बाद ही मसाला आप इसमें डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टमाटर इस तरह से पक चुका है और इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐड करता हूं और मैं क्या क्या ले रहा हूं। मैं आप देख सकते हैं मसाले का डब्बा है हमारा, तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा इसमें मैं धनिया कोई भी अगर मैं जब भी मिर्च मच्छी या चिकन मटन जो भी बनाता हूँ मैं उसमें मसाले का प्रयोग यानी कि धनिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार या अपने जिस प्रकार से आप आदमी हो वो ग्रेवी के अनुसार आप कितना आपको बढ़ाना है कितना कम करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें जो लाल मिर्च है उसको बहुत कम ऐड करूँगा, क्योंकि उसमें मैं पहले भी हरी मिर्च ऐड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं देख रहे हैं। अब मैं हल्दी यूज़ करूँगा, हल्दी मैं 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ करूँगा। और अभी मैंने इनको ऐड कर दिया है और मैं इसको मिला रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हल्का सा बेसन का प्रयोग करूँगा, क्योंकि थोड़ा तो ग्रेवी इसकी गाढ़ी कर रही है। ये जो मसाला है अब इसमें कुछ तरह से ऐड हो गया है और मैंने इसमें मसाले पूरी तरह ऐड कर दिया है और पूरी तरह इसको मिला दिया है। अब जब आप कभी भी कोई भी खाना बना रहे हों तो उसमें हमेशा आप लोग जो आँच है गैस की जो आँच है उसको बहुत कम करें, क्योंकि जब भी आप मसाला बना रहे हों उसको हमेशा कम आँच में ही पकाएं। तो मैं इसलिए इसमें बहुत कम आँच का प्रयोग करूँ, क्योंकि इसलिए कम आज का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब ग्रेवी बनेगी तो काफ़ी स्वादिष्ट होगी और अच्छी होगी और जलेगी नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ जले ना। दोस्तों मैं इसमें हल्का चिली पाउडर का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अब इसमें चिली पाउडर भी ऐड कर दिया। दोस्तों मैं हल्का इसकी ग्रेवी बढ़ाने के लिए इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे, बेसन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हल्का सा बेसन यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसे।
और मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है और मैं इसे पकने दूंगा। जब भी पक जाएगा, जब भी तेल अलग हो जाएगा और मसाले अलग हो जाएंगे, तेल ऊपर गहरे मत जाकर समझ लो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेल अलग हो चुका है और मसाले बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेवी है मच्छी के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। पानी ऐड हम हमेशा बॉयल पानी ही ऐड करें, ठंडा पानी कभी भी हो इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि इससे जो इसका स्वाद है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और पानी और ग्रेवी का अलग अलग दिखने लग जाती है। अब मैं इसमें, आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं जैसा भी आपको, जैसे जितने भी आपके मेंबर हों, जितने फैमिली में लोग हों, अपने अनुसार। आप, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा मैं पानी को सिर्फ पकने दूंगा पानी के साथ, फिर इसमें मच्छी ऐड करूँ। दोस्तों ये पानी भी इसके साथ मिल चुका है और मैं इसमें अब लास्ट, जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार हुआ कि मच्छी को मैं कब इसमें ऐड करूँ, और अब मैं इसमें पहाड़ी मच्छी ऐड करूँगा। दोस्तों ये सारा मैंने इसमें रखा हुआ था फ्रीज में अब तक, और मैं इसमें आज मैं इसे पूरा नहीं बनाऊंगा, इसमें आधा आधा बनाऊंगा, और इसमें आप एक एक या दो दो पीस के आप इसको इसमें डालोगे हल्का सा, और मैं इसमें अब मच्छी ऐड कर रहा हूँ। आप दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जब हम मच्छी को पूरी तरह इसमें डाल देंगे तो उसके बाद हम इसमें कच्ची का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको हम तुरंत, इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि मच्छी तुरंत पक जाती है। और दोस्तों अब ये पूरी तरह इसमें ऐड हो चुका है। अब आप कभी भी हो, आप मच्छी को हमेशा आराम से ही ऐसे डालिए इसको तेज़ी से, क्योंकि इसको आराम से डालिएगा, क्योंकि कभी कभी मछली फिसल जाती है और ये जो गर्म ग्रेवी है ये हम लोगों पे आने का डर रहता है। तो आप हमेशा इसको, अब इसके बाद आप इसमें कड़छी का यूज नहीं करेंगे और इसको कम आंच पे पकाएंगे और 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे, और इसके बाद वो इसकी आंच बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर हल्का सा ऊपर से कोई बर्तन रख के थोड़ी देर 5 मिनट और इसको पकने दें, हल्का ठंडा होने दें, उसके बाद इसको आप खा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमारी मच्छी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से मच्छी भी बनाई है, पहाड़ में किस तरह से मच्छी बनाई जाती है, किस तरह से यहाँ पर मच्छी को पकड़ के लाया जाता है और किस तरह से पहाड़ी मच्छी को बनाया जाता है। बनाने का तरीका जो है मैंने बहुत आसान सा तरीका आप लोगों के लिए बताया यहाँ पे, और आप भी जरूर इसे ट्राई करें और जरूर इसे खाएं। और पहाड़ की मच्छी की एक खासियत है कि वो बहुत स्वादिष्ट होती है और वो काफ़ी महंगी भी मिलती है, इसलिए लोग इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं से मिल जाए। लोग यहाँ से उसको बहुत दूर दूर तक पैक करके ले जाते हैं, और आज हम सुबह ही उसे लाए था मेरे भाइयों। मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैंने पहले भी कहा था कि लोगों का रोज़गार भी इसी से चलता है। तो मैं सुबह, मेरा भाई किसी से ख़रीद के ही लाया था, उसके साथ मदद करने गया था, तो हमने उसको ख़रीद के ही दिया कि उसका भी काम चल जाए। और साथियों आपने देखा मेरा वीडियो किस तरह से बना था, किस तरह से मैंने बनाया। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस पेंडेमिक समय में, इस कोरोना काल में सब अपना ध्यान रखें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, घंटी ज़रूर बताएं, तब के तब नई वीडियो के लिए, नई वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए आप लोगों के लिए
तब तक आप लोग इंतज़ार करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।